यहाँ से हमारी एक दो तीन तीन पॉइंट इधर है, दो पॉइंट इस, यहाँ से हमारी चार्जर की 5 वोल्ट यहाँ से इन होगी, यहाँ पर हमको टेस्ट पॉइंट देगा। यहाँ से 5 वोल्ट मेरा निकलेगा, ये यहाँ से जाएगा सीधा ओवीपी में। ओवीपी में जो है यहाँ पर एक कैपेसिटर पैरेलल में है, और इसके बाद यहाँ ओवीपी के 3 पॉइंट से इन होगा, और उसके बाद से ओवीपी के 3 पॉइंट से आउट होगा। यहाँ इसको बोलेंगे ओवीपी। इसका जो ओवीपी का जो आईसी हमारा है U1903 है। इसके बीच में हम यहाँ पर एक कैपेसिटर देखते हैं जो है पैरेलल में। उसके बाद ये हमारा सीधा चला जाता है पावर आईसी के एक 142, 143, 144 चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी में चला गया हमारा। और एक ये जो है 92 ये सेंस के लिए, सेंस के लिए। उसके बाद हमारा जो है ये चार्जिंग आईसी आउटपुट निकालेगा 106, 107, 108, 116, 117। ये टोटल 8 पिन होंगे। यहाँ से वी बैट निकालेगा, ठीक है। बूट कैप के पास 105 लिखो, वॉल के पास बूट के अंदर 105 लिखो, सर यूएसबी के बाद भी 5 वोल्ट डालो, यूएसबी आईडी में 80 लिखो, येलो कलर की पिन जो है यूएसबी आईडी, येलो कलर 80 नंबर लिखो, 123 डीपी में लिखो, ग्रीन वाले का नहीं, 123 छोटा छोटा लिखना, और डीपी में लिखो 111 डीपी। हाँ लिख दिया, क्लॉक का है 38, 38, 39 लिख दिया, डाटा का 39 है, डीएम का नहीं लिखे, डीएम का 123 लिखे ना ऊपर, तो हाँ लिखा है, हाँ ये लिखा है 123, डीपी का नहीं लिखे, डीएम डीपी लिखा है 80 लिखा है आपने, अच्छा बीच में लिख दिया, हाँ ये 111 इसका है, 111 सर है, यस सर, अच्छा ठीक है चलो बताओ। उसके बाद हमारा ये चार्जिंग ऐसे आउटपुट निकाला, आउटपुट को बोलेंगे हम वी बैट, वी आईडी का लिखो 86 काला कलर जो हम यहां से लिखेंगे, यहां यूएसबी आईडी लिखो, सॉरी यूएसबी नहीं बैटरी आईडी, हां इसका कितना आईडी लेवल का लिखो, और लिखो नंबर 86 पूरा नंबर अंदर कितना रहेगा, ठीक है आईडी का कितना नंबर है बोला 86, ठीक है चलो। और तो उसके बाद हमारा जो है यहां से आउटपुट निकला वीपीएच निकला यहाँ से, बाकी के सेक्शन को चला गया, बाकी पावर में गया, ऑडियो में गया, रिंगर में गया, और कैमरा में गया, बाकी सेक्शन चला गया, नेटवर्क में चला गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एक बूट कैप, बूट कैप जो है जिसके एक सिरे पर जो है हमारी 8 वोल्ट आएगी और दूसरे सिरे पर हमारी 4 वोल्ट आएगी। अगर वैल्यू कितनी 27 मेगाफैरड, और इसका लिख दो हेनरी 1.0 माइक्रो हेनरी, 1.0 यूएच, उसके बाद हमारा जो है यहाँ से चार्जिंग आउट हो गई, बाकी ये वीपीएच की लाइन बाकी अदर सेक्शन को चली गई। उसके बाद हमारा जो आया 123 190, हाँ ये वीपीएच के लिए एक लाइन उसकी वापस आ गई, चार बोले आएंगे जी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ से चार्जिंग आईसी से 4 डॉट से होता हुआ ये हमारी चार्ज आउट चली गई सीधा एक रेजिस्टेंस, सेंस रेजिस्टेंस के थ्रू वी बैट प्लस पर चली गई। रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.0। इसके बीच में एक कैपेसिटर है जो पैरेलल सीरीज में लगा हुआ है। अब हम चार्जिंग चेक करने के लिए इन सारे कैपेसिटर को भी हमको चेक करना है कि कोई कैपेसिटर लीकेज तो नहीं है, कोई कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये लाइन हमारी शॉर्ट हो जाएगी, तो हमारी चार्जिंग नहीं होगी। इसके अलावा और भी वी बैट से बहुत सारे सेंसिंग लाइन इंटरनल कनेक्टेड रहते हैं, कहाँ से बैटरी के रजिस्टर के इस साइड से और रजिस्टर के इस साइड से, जिसको हम करंट सेंस पॉजिटिव करंट सेंस नेगेटिव बोलते हैं, इंटरनल कनेक्टेड रहेंगे, वो आईसी में रहेंगे। वो कब देखेंगे, बिल्कुल लास्ट में ट्रैक ट्रैकिंग के कंडीशन जी। तो यहाँ से ट्रैक है कहाँ तक बीप बजा के बीप मैप पे जाकर देखना है, चेक करना है जी सर, ठीक है। तो अपने को जो ऊपर वाला हिस्सा चेक करना है जहाँ पे लाइन मिल जाती है,
ओपन मिल जाते इतने सारे, इसके अलावा जो इंटरनल है उसको सिर्फ बीप बजा के देखना है कि वहां से वहां तक आ रही है, कंपोनेंट तो कुछ मिलते नहीं उसमें। जी सर। तो इतना सारा देख लेते हैं अभी। जी सर। तो ये अभी लाइव बनाया अपन ने। जी सर। आप ही खोले ना मॉडल को। जी सर। ठीक है, चलो इनके लिए क्लैप कर दो।